कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र के ऊपर आधारित प्रार्थना की अभिव्यक्ति मैं इस तरह से दृष्टिकोण प्रकट कर रहा हूँ आपके समक्ष कि भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है इसका उद्देश्य है परम शक्ति से परिचय बनाना, परम शक्ति के साथ किस तरह से एक हुआ जा सकता है या दिव्य लोक से किस तरह से संपर्क किया जा सकता है, दिव्य शक्ति के साथ किस तरह से संपर्क किया जा सकता है। और इसका अगर आप अंतर्गामी स्वरूप देखें तो मैं उसे नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। तो कुचिपुड़ी और हिमांशु नाट्यम दोनों को जोड़ रहा हूँ। आज का जो दिन है, अभी जो प्रयोग चल रहा है, इस पे सबसे पहले मैं आपको ले जाऊँगा आंध्र प्रदेश की पवित्र भूमि कुचिपुड़ी गांव, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर तीन अद्भुत नृत्य शास्त्र प्रकट। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊँगा कि जब शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है ये प्रमाण है कि यहाँ पर अद्भुत समृद्धि रही होगी, बाहर भी भीतर भी। तो मुझे ऐसा लगता है आज कमी क्या है, समृद्धि की आज कमी क्या है? आज जो कमी है मनुष्य की समझ की कमी है, जो कुछ भी कमी है हमारी हिम्मत की कमी है। जब मैं कमाता था, जैसे कि मैं स्कूल टीचर हुआ, सचिवालय में मैं ऑफिसर हुआ, मेरे प्राइवेट ट्यूशंस किए, सब में मेरा रिसर्च वर्क ही चलता था कि क्या इतना ही जीवन है, इसी तरह से कमाई करो तो ही जीवन रह सकता है। अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो मेरा जीवन नहीं रह सकता। मैं आपके समक्ष ये बोनस लाइफ मेरी जो चल रही है देखो मैं आपके समक्ष। और जो नृत्य शास्त्र है परम श्रद्धा से प्रकट हुए इस भारत की पवित्र भूमि पर, जो कुछ प्रकट हुआ मैं आपके समक्ष धीरे 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 एक नृत्य शास्त्र का जो इतिहास है प्रकट करने जा रहा हूँ। ये जो कुचिपुड़ी है 15वीं सदी में प्रकट हुआ। जब हम कुचिपुड़ी गांव गए, मैं एक प्रयोग कहूँ, उस समय जो सिद्धेंद्र योगी थे वो गांव में घुंघरू पहन के घूमते थे, प्रातः काल में भिक्षा मांगने जाते थे, नृत्य के जीव थे। रास्ते में भी रिदम जो आ गया तो भिक्षा एक तरफ, अपना रिदम में नृत्य। ये मुझे वहाँ दर्शन हुआ कि इस तरह से सिद्धेंद्र योगी गांव में घूमते थे। मैंने भी शुरू कर दिया। हम जब रहे, मैं बबलू को साथ में लेकर, हम दोनों बांसुरी लेते थे हाथ में, पाँव में घुंघरू बांधते थे, उसकी जो समाधि है वहाँ पर घुंघरू बांध लेते थे। पूरे गांव में बांसुरी लेकर जितनी भी रचनाएं हम बांसुरी पर बजा सकते हैं सब बजाते बजाते पूरे गांव की प्रदक्षिणा करके फिर उसकी समाधि पर आते थे, बैठते थे। और मैं देखता था कि वो योगी इस तरह के कुछ नहीं रखते थे हाथ में, उसके पास पहनने का खाली एक वस्त्र था, और इतना सुंदर नृत्य शास्त्र उसने प्रकट कर दिया कुचिपुड़ी। तो मैं उसका एक रूप कहूँगा आपको, जैसे कि आज मैं पहला जो नृत्य है वो ट्रेडिशनल नृत्य है, कुचिपुड़ी से लिया हुआ है। बाकी की तीन रचना है जो मैं आपके समक्ष प्रकट करूँगा, इसे आप हिमांशु नाट्यम कह सकते हो। ये जो इस प्रकार की सारी रचनाएं हैं जितनी भी जो फिल्म में प्रकट हुई, प्राचीन फिल्मों में जो शास्त्रीय नृत्य के ऊपर आधारित रचनाएं प्रकट हुई, इसका आधार लिया गया कुचिपुड़ी से। तो ये जो नृत्य शास्त्र है इतना अद्भुत नृत्य शास्त्र, और ये भरतनाट्यम के बाद प्रकट हुआ। स्वयं सिद्धेंद्र योगी भरतनाट्यम के निपुण कलाकार थे, पूरे भारतवर्ष की प्रदक्षिणा करते करते कहीं रिदम सीखे, कहीं कथक सीखे, कहीं उड़ीसी सीखे, सब नृत्य शास्त्र उसने आत्मसात कर लिए, और फिर अंत में कुचिपुड़ी आए, कुचिपुड़ी गांव में आए और उसने इस नर्तन शास्त्र को प्रकट किया। तो प्रथम प्रार्थना में उसको हार्दिक वंदन नमस्कार प्रणाम करते हुए, सर्व गुरुजन जो इस नृत्य शास्त्र में आज भी सम्मिलित है, ये इतना सुंदर काम संभाल रहे हैं सर्व शिष्यगण, सबको प्रणाम करते हुए इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को वंदन करते हुए मैं प्रथम प्रार्थना प्रकट कर रहा हूँ, जिसे शास्त्र में कहते हैं तरंगम। यहाँ पर पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना है, मरकत मणिमय चेला, अर्थात कृष्ण जो जबकते हुए वस्त्र पहने हुए है, यहाँ से प्रार्थना शुरू होती है, और अंत में तरंगम जो थाली पर किया जाता है, और इसमें पूरे समष्टि के साथ जीव का संबंध बनता है हमारा सबका। विस्तार में जो हमारा भविष्य है ठीक से समझो, हम संकुचितता की ओर नहीं जा रहे, समझना,
हमारा भविष्य विस्तार की ओर जा रहा है। ठीक से समझना, अगर आप संकुचितता की ओर जा रहे हो, आपके जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता रहेगा। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, ये जो भाव है जीवन में, ये दिखा रहे हैं कि हमारा जीवन संकुचित हो रहा है। तुम विस्तार की ओर जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम, उल्लास, आनंद, शांति, श्रद्धा, विश्वास, पूरी समष्टि हमारी, फिर चिंता किसकी। तो अंत में तरंगम लिया जाता है, थाली से पूरी समष्टि के साथ संपर्क किया जाता है। हमारी सद्भावना, क्या सद्भावना हो सकती है, जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है प्रातःकाल में, इतना समृद्ध अवसर, हम प्रार्थना करें सर्व जीवों का इस पृथ्वी पर मंगलमय प्रभात हो, सबका अनुभव मंगलमय हो और सबको ये अवसर मिले, हम जीवन क्या जीवन की जो कदर है उसे करना सीखे, व्यर्थ बातों में समय न बिगाड़े। तो प्रकट करने जा रहा हूँ प्रथम प्रार्थना, और आज का जो मेरा प्रयोग है हिमांशु नाट्यम का, वो है चामरक नृत्य और तरंगम, दोनों को मैं एक साथ प्रकट कर रहा हूँ। चामर नृत्य के और भी प्रयोग है, वो जैसे कि क्षत्रिय में इसका प्रयोग है, मणिपुरी में प्रयोग है, ये जो सारे नृत्य शास्त्र में है इसमें इसका प्रयोग है, लेकिन मैं आज जो प्रकट कर रहा हूँ वो थाली पर चामर का प्रयोग, और दोना बार जो कुचिपुड़ी का ट्रेडिशनल रूप है उसे भी संभालते हुए और चामर नृत्य प्रकट कर रहा हूँ। प्रथम प्रार्थना और इसका पवित्र राग अरबी, पवित्र ताल आदि। उट्टुकुड़ु वेंकटेश शुभ अय्यर, इसने इस प्रार्थना को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। धाव